और दोस्तों आइए आज हम दिखाएंगे कि रेडीमेड शर्ट हम लोग जो लेते हैं वो किस तरह से अपना नाप से फिटिंग करना पड़ेगा। दोस्तों दोस्तों मेरे चैनल में आप लोग जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर कीजिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आइए आज दिखाएँगे किस तरह से अपना नाप से शर्ट को काटेंगे, फिर सिलाई करेंगे ताकि आपको अपना साइज से, अपना बॉडी से, अपना मुताबिक, अपना मनपसंद शर्ट पहनने में लगे। ओके आइए अब काटिंग की ओर। देखिए दोस्तों इसका नापी है 26 इंची लंबाई है, 33 बॉडी है और 17 इंची है इसका तीरा है, 23.5 इंची इसका, 23.5 इंची इसका हाथ है और हाथ का घेर है दोस्तों, ये जो घेर होगा ये 6.5 इंची। अभी इसकी नाप से ये शर्ट को काटना है दोस्तों। देखिए किस तरह से काटते हैं, ये पहले देखिए 26 इंची इसका लंबाई, देखिए इधर इधर लंबाई यहाँ से आपको लेना पड़ेगा कितना, 26 इंची। 26 इंची में हम यहाँ पर दागी मार देंगे, चौक का दागी मारते इसे मार दिया और चाइना शर्ट रहेगा ये, यहाँ से 1/2 इंची और नीचे को शर्ट मारे, ठीक है। अब इसका ये जो घेरा है, घेरा ढील कितना था, कितना है दोस्तों, ये लिया 16 इंची, मैंने बॉडी से नीचे लेना पड़ेगा, मैं इस जगह में लेना पड़ेगा, बॉडी में है इसका 33 इंची तो यहाँ 16 हमको रखना है दोस्तों, तो उसका फिटिंग आएगा यहाँ पर तो ज़्यादा रखेगा, यहाँ 16 है तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा 34 लेना पड़ेगा, ठीक है। 33 इंची है तो 34 आपको हमको लेना पड़ेगा, 34 में मार्क मारे, फिर इधर काटी एक्स्ट्रा के लिए इधर आपका 1/2 इंच के रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए इधर फिर इंटरलॉक करना पड़ेगा, ये नीचे में कितना है, नीचे में 16 लेना है दोस्तों, 16 यहाँ से 16 सीधा आप 16 लीजिए, देखिए यहाँ पर 16 लीजिए, यहाँ 16 लेते हैं, 16 लेते हैं, फिर यहाँ ये यहाँ पर काटिंग के लिए रह गया, ये लंबाई हो गया। अब हाथ कितना है दोस्तों, हाथ हाथ इसने दिया है, देखिए ये हाथ है, हाथ हाथ है यहाँ पर, हमने ये यहाँ से लगभग 6 इंची दूरी पर नाप लिए हैं, कितना लिए है, 13 इंची लिए हैं दोस्तों, 13 इंची लिए तो 13 यहाँ पर हो गया। अब इसको काटना है, इतना दाबना है। अब देखिए कंधा जो है दोस्तों, कंधा ये तीरा जो है, तीरा उसका नाप से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये कुछ करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए जो है उतना ही रहेगा, 17 है ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा है, ये चलेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। रेडीमेड में दरअसल देखिए दोस्तों ये जो बड़ा है इसको ठीक करने के लिए थोड़ा झंझट करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ खर्चा ज़्यादा है और क्या उसमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कॉलर भी उसका नाप से मोटा मोटी ठीक है, ठीक है। अब इसी नाप से हमको काटना है दोस्त। अब देखिए ये जो है ये नाप, ये सिलाई होगा, यहाँ हमको काटना है, इधर भी काटना है दोस्तों, देखते हैं। ये रेडीमेड का जो कोर था ये था, सिलाई था डबल सिलाई, इसको हटा देना है दोस्तों। ये इसके बाद क्या करना है, सिलाई करके वो इंटरलॉक करना पड़ेगा, फिर ये डबल सिलाई नहीं होगा तो अभी यही काट करके हम इतना दूर जाकर छोड़ देंगे, इसके बाद फिर उसको नाप से दबाएंगे और इंटरलॉक कर देंगे दोस्तों, इसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे अब सिलाई किस तरह से होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों काटिंग करने के बाद अब इसको सिलाई कर देना है, ये पल्ला को सिलाई कर देना है दोस्तों, जैसे इतना इतना दाग दिया हुआ है इतना, इस हिसाब से सिलाई अब सिलाई मार देना है दोस्तों, देखिए इसके बाद इंटरलॉक कर देना है। इसी नापी से जो आपका नापी दिया हुआ है उस नाप से आप सिलाई कीजिएगा पूरा और फिर इंटरलॉक कर देंगे, बस ये आपका ये साथ रेडी हो गया। इस तरह से एक ही तरह सामान थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा अंदर घुसाना पड़ेगा, इस तरह से सिलाई कीजिए और फिर इंटरलॉक कर देना है, इसे हाथ तरह भी उसे मेल कर दीजिएगा पतला पतला करके, बस एकदम यहाँ से इस तरह से हल्का हल्का करके मेल कर देना है ताकि क्या होगा वो पूरा क्लियर दिखेगा दोस्तों, ठीक है। ये जैसे ये पोजीशन इस तरह थोड़ा दिखाई देगा, ये फिर आयरन कर देंगे तो फिर झकास हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इंटरलॉक कर देना है, अब इसको क्या करना है, इंटरलॉक कर देंगे, वो रेडीमेड में क्या था डबल सिलाई था, अब इसको इंटरलॉक दोनों तरफ चला देंगे दोस्तों, ये एक साथ ये आपका खुलेगा भी नहीं और क्या होगा या आपका शॉर्टकट भी जल्दी हो गया, इस तरह से पूरा पूरा इंटरलॉक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों देखिए ये तो इंटरलॉक करके फिर सिलाई करके सिलाई चला दिया डबल, ओके हो गया सर, नाप का बना दिए। आप नीचे तरफ मोड़ना है, देखिए नीचे तरफ किस तरह से मोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर चाइना ही रहेगा, चाइनीज शर्ट बोलते हैं इसको, पहले सिंगल इस तरह से मोड़ा जाता है, एक बार पहला पूरा इस तरह से घुमा देंगे, इस तरह से एक बार सिलाई इस तरह से पूरा घुमा देंगे, घुमाने के बाद फिर दूसरा बार और एक बार मोड़ना पड़ेगा ताकि क्या होगा दोस्तों, ये एक बार में नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसलिए यहाँ पर दो बार सिलाई आपको देना पड़ेगा दोस्तों, राउंड है
ये इस तरह से एक राउंड घुमा दीजिए, ये एक बार पूरा राउंड घुमा दिए दोस्तों, आप दूसरा बार फिर घुमाना पड़ेगा। देखिए ये सिंगल स्लाइम आप पूरा राउंड चला दिए दोस्तों नीचे तरफ, आप फिर इसको इस तरह से मोड़ करके एक बार स्लाइम मार देंगे, बस ये आपका कंप्लीट हो गया, हो जाएगा स्लाइम इस तरह से पूरा एक बार स्लाइम इस तरह चला देंगे दोस्तों इस तरह से, एक टैप से दूरी एकदम आराम से चलाइए, एक टैप से दूरी, यहाँ धीरे धीरे चलाइए क्योंकि यहाँ राउंड है, यहाँ ठीक से चलाइएगा, और यहाँ पर भी राउंड है इसलिए राउंड जगह में पतला थोड़ा कम लीजिएगा, वो दूरी तो समान नहीं, यहाँ पर थोड़ा कम लीजिए, लेकर के पूरा तरफ घुमा देना है दोस्तों, ताकि क्या होगा आपका साथ यहाँ जैसे यहाँ बैठ जाएगा। दोस्तों ये शर्ट सिलाई करके रेडी कर दिए हैं, अब इसको आयरन कर देना है दोस्तों, ये ग्राहक का नाप से पूरा मेरा फिटिंग सिलाई कर चुके हैं दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखे दोस्तों। यदि इस वीडियो को देखकर आपका कुछ काम में आ सका तो जरूर कमेंट में कुछ जरूर लिखिए दोस्तों, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे।